वेलकम टू माय चैनल। आज बना रही हूँ मैं पालक की डंठल की सब्जी। आइए गाइस दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस, ये है पालक, पालक है डंठल, ये पालक है। हमने पालक के पत्ते अलग निकाल के रख दिए हैं और जो डंठल थे उनको हमने धो के बारीक बारीक काट लिए। आज हम इनकी सब्जी बनाएंगे गाइस। देखिएगा, देखिए गाइस कितना चमक रहा है ये पालक, साफ सुथरा पालक है। धो धा के साफ करके रख दिया है हमने, अब इन्हें हम बनाएंगे अलग से। अभी सिर्फ डंठल की सब्जी बनेगी, आलू डंठल की सब्जी। इसमें जा रहा है आधा चम्मच जीरा, ये दो साबुत मिर्ची थी जिन्हें मैंने तोड़ ली है। अब जाएगी इसमें एक प्याज, मीडियम प्याज है जो मैंने काट ली है। अब प्याज हम ब्राउन करते हैं। प्याज ब्राउन हो गई है गाइस, अभी हम डाल रहे हैं इसमें आलू। ये दो मीडियम आलू है जो हमने काट के अच्छी तरीके से धो लिए बढ़िया। अब आलू फ्राई कर रहे हैं गाइस। इस टाइम 7:30 का टाइम है, बच्चे अपने पलंग पे बैठे हुए हैं, अपना गेम गूम खेल रहे हैं। मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं और मेरा छोटा बेटा यहाँ पर है। बेटी मेरी आ गई है बाहर से, देखिए गाइस ये भी इंजॉय ले रहे हैं। आलू फ्राई हो गए हैं गाइस, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। देखिएगा ये एक टमाटर था जो हमने काट लिया। हम भी नहीं खाते थे गाइस पहले ना ये पालक की डंठल की सब्जी। हमें भी किस जैसे हम छत पे बैठ जाते हैं, पड़ोसी भी बैठ जाते हैं तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई कभी खाइए पालक की डंठल की सब्जी। हमने कहा नहीं खाइए कि बना के देखो वो टेस्टी बनती है। तो हमने भी एक बार ट्राई करा, हमने कहा चलो बना के देखते हैं जो पड़ोसी बोल रहे हैं। तो हमने भी पालक के डंठल अच्छी तरीके से धो के साफ करके बारीक बारीक काटे, इनके रेसे निकाल के फिर हमने एक दो आलू डाल के बनाए। गाइस मैंने जो आलू पालक की सब्ज़ी बनाई थी ना वो बच्चों ने नहीं खाई और उनको ये पता भी नहीं था कि पालक की डंठल की सब्ज़ी है। और बच्चों ने यार ये सब्ज़ी इतने शौक से खाई है ना, ये सब्ज़ी ख़त्म होगी मुझे खाने को भी नहीं मिली। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे बनी थी और मेरे को तो खाने को भी नहीं मिली, मैंने तो खाई भी नहीं। इन्होंने बोला मम्मी किस चीज़ की सब्ज़ी थी, बहुत टेस्टी सब्ज़ी थी। मैंने कहा ये पालक के डंठल की सब्ज़ी थी। वो चौंक गए कि मम्मी आपने हमें क्या खिलाया। तो मैंने कहा जो तुमने फ्रिज कर दी है ना सारी सब्ज़ी उसी डंठल की सब्ज़ी थी। आलू पालक की सब्ज़ी भी ऐसी रखी हुई, वो किसी ने नहीं खाई। अब डालेंगे इसमें हम नमक स्वाद अनुसार। देखिए गाइस ये नमक है, हम अपने स्वाद के अनुसार डालेंगे, आप अपने स्वाद के अनुसार डालना गाइस। मैं देखिए ये नमक डाल दिया है मैंने, तब तक टमाटर इसमें गल जाएंगे अच्छी तरीके से नमक में। इसमें नमक डाल दिया है, टमाटर अच्छी तरीके से इसमें गल जाएंगे। अब देखिए गाइस आप भी बना के देखो, बहुतों को पता है कि पालक की डंठल की सब्जी बनती है। किसी किसी को तो ज्ञान ही नहीं होता कि हाँ इनकी डंठल की सब्जी भी बनती है। वो सोचते हैं कि ये डंठल खाली गाय डंगर भेड़ ही खा सकते हैं, इंसान नहीं खा सकते। गाय की सब्जी बहुत अच्छी बनती है इसकी। आज पालक साफ करा था, मैंने डंठल भी साफ करके रख लिए थे। मैंने कहा चलो आज इनकी डंठल की सब्जी की वीडियो बना के वीडियो पर डालती हूँ। अब जा रहे हैं ये डंठल जो हमने बारीक बारीक काट लिए थे। अब इनको अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे, फिर डालेंगे इसमें मसाले। अभी हमने सिर्फ नमक डाला है इसमें। गाइस देखो लग भी नहीं रहा है कि ये डंठल है, ऐसा लग रहा है कि छोटी छोटी बीन्स होती है ना लंबी वाली, इनकी कटिंग करके ये सब्जी बनाई है हमने। ऐसी कटिंग करके बनाओ बच्चे को पता ही नहीं चलेगा हम किस चीज़ की सब्जी खा रहे हैं। बच्चे मेरे वैसे भी बहुत नखरे वाले हैं, सबके बच्चे ऐसे ही होते हैं गाइस। दाल सब्जी कुछ भी बना पर उन्हें खाना नहीं है, वो अपनी पसंद से ही खाते हैं। ये पालक मैंने साफ करके रखे थे गाइस, उनकी सब्जी कल बनाऊंगी वो दिखाऊंगी मैं आपको। अभी सिर्फ डंठल की सब्जी बनती है। अब डाल रही हूँ मैं इसमें ये दो हरी मिर्चें मैंने जो बीच से काट के रखी थी, इसे मैंने लास्ट में डाला गाइस क्योंकि ये तेल में ज़्यादा फ्राई हो जाती है तो सुखड़ सी जाती है।
और वैसे भी मुझे तीखा बहुत पसंद है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं मसाला। देखिएगा इसमें मैंने साबुत मिर्ची दो डाल रखी थी पहले से, दो हरी मिर्च और डाली है। इसमें हल्की मिर्चा डालेंगे कि बच्चे नहीं खा पाएंगे। फिर देखिएगा इस, अब इसमें डाल रहा है आधा चम्मच धनिया पाउडर। ज़्यादा मसाला नहीं डलेगा क्योंकि सब्जी में फिर स्वाद नहीं आएगा। ये हल्का सा हल्दी पाउडर आधे चम्मच से भी कम है। नमक हमने पहले डाल दिया गाइस। देखिए गाइस हल्दी नमक मिर्चा धनिया सब डाल दिया है मैंने। अब इन्हें अच्छी तरीके से भूनूंगी एक मिनट के लिए। फिर इसमें हल्का सा पानी डाल के गाइस फिर ये हल्की आंच पे रख दूंगी, ये पक जाएगी। फिर दिखाते हैं लास्ट में। दिख रहा कितना अच्छा कलर आ रहा है। देखिए गाइस देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। और जितना अच्छा कलर आ रहा है ना खाने में भी उतनी ही टेस्टी होगी। देखिए गाइस मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स मेरे से जुड़े हुए हैं गाइस, मेरा मन तो करता है सबको इकट्ठा करके अपने हाथ से बना के उन्हें खिलाओ खाना पीना। देखिए गाइस देखिए गाइस सब्जी रेडी हो गई है। देखिए आलू भी गल गए हैं। देखिए गाइस आलू भी इसी तरीके से गल गए हैं। देखिए आलू इसी तरीके से गल गए हैं, सब्जी रेडी हो गई है। कैसी लगी है गाइस कमेंट बॉक्स में लिख के बताना गाइस, बताना कैसी लगी है आपको मेरी ये पालक डंठल की सब्जी। गाइस पालक के डंठल की आलू की सब्जी बना दी है मैंने। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कैसी बनी है और लाइक करिए शेयर करिए कमेंट्स करिए। मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बताना मेरी सब्जी कैसी बनी है। बाय बाय गुड नाइट। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।